हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी सारे, वेलकम बैक टू द जस फार्म यूट्यूब चैनल। स्वागत है अपनी अज की वीडियो। अज की अपनी वीडियो का टॉपिक है वाई कैन फिशेस डेड इन एक्वेरियम, मतलब कि अपनिया मछलियां अपने एक्वेरियम लियान सार कातों मर जा विद इन वन मंथ विद इन टू मंथ कातों मर जाएगा। डिस्कस करा कि इदा कातों हों पर मिशन कमें ध्यान रख सकते हैं, तो आप अपने टैंक में कमें मेनटेन रख सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आ। चलो आप अभी वीडियो शुरू करते हैं। टैंक घरे लिया के फिल्टर लिया के वन वीक तक आप बोटर सर्कल करेंगे पानी पा के फिल्टर ऑन करके आप बस ए वन हफ्ते मतलब एक वीक रन कर देना आपके टैंक में, अपना वॉटर सर्कुलेट हो जाए। वो आप एंटीक्रोलिन मेडिसिन आप देनी है, होर वो कोई मेडिसिन नहीं पानी है, सिर्फ एंटीक्रोलिन पानी है। आप पानी में जो देखते हो मिरर से वाइट वाइट सूरा जम जाता तो वो खत्म कर देती है, वॉटर की जो डेंसिटी जो हार्ड होंगी लो कर देती है। हम आप गल करते हैं पॉइंट नंबर टू की। आप एक्वेरियम शॉप तो फिशा लेके आए, आप बहुत कई बार गलती करते हैं, कई पता नहीं होंगे फिश पैकेट आप लेके आए फिशा, उदो आप डायरेक्टली आके अपने फिश टैंक पैकेट में रिलीज कर देने। फिशन जी हार्डी फिश होंगी थोड़ी जी वो तो झल लेंगी तक वह बच जाती है, नहीं दूजिया थोड़िया फिशा होंगे थोड़िया सॉफ्ट होंगे वो एकदम जो उन्होंने शौक लगता मैं कि तुम देखते हो जो पैकेट फिशा होंगे शॉप तो वॉटर थोड़ा जहाँ गर्म हों ठंडा होंगे वॉटर टैंक का फिश टैंक का टैंपरेचर पर सोर हो पैकेट का टैंपरेचर पर सोर हो एकदम शॉप के आने करके फिशा की डेथ हो जाती है। एकदम आप ध्यान रखना हमेशा फिशा छोड़ने तो पहला पैकेट में फिशा एक्लीमेट करना, मतलब कि फिश टैंक उत्ते पैकेट छड़ देना जब तुम फोटो देख सकते हो। एक्लीमेट होने के बाद आप फिशा रिलीज करना अपने टैंक के ना कि वॉटर एक्वेरियम वाले तो पता नहीं की बैक्टीरिया सो आप गल करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। फिशा तो रिलीज करती हैं टैंक में लाइट्स ऑफ कर देनी अपने टैंक दियाँ 24 आवर्स के लिए आप फिशा फूड नहीं देना, क्योंकि जोड़ा कुछ उन्होंने पहला खाधा होगा दंद मंद होगा उन्होंने अंदर कोई पेट के अंदर कोई इंटरनल इनफेक्शन होगी कोई बैक्टीरिया होने आप लहसुन फिश फूड खवा। मेरी जो वीडियो नहीं देखी आप आई बटन से उन्होंने पहले वो वीडियो देख सकते हो, वीडियो के बाद जाए कि आप फिशा कमें लहसुन दे सकते हैं, वो डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता जो भी अंदर बैक्टीरिया होंगे किल हो जाए अपना फिश लाओ लॉन्ग लाइफ तक जिंदगी ट्रीटमेंट वीडियो जरूर देख के बाद वीडियो पहले देखो। हम आप गल करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। पॉइंट नंबर अपना फोर है कि आप फिशा ले आए फिशा आप टैंक में सेफली रिलीज भी कर देने अपना टैंक फिल्टर भी चलता अपना हीटर भी चलते सारा कुछ वधिया चल रहा। उस तों बाद आपां की गलती करते हैं विद इन वन मंथ के देखते हो कि साडियां फिशा के वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है या फिशा अनसैसरी डैथ होने लग जाती अपने टैंक में या उन्होंने अंदर इंटरनल पैरासाइट्स आ जाते हैं, वो तो आप फिशा कमें सेफ रख सकते हैं। तो हम आप गल करेंगे वो पॉइंट की। हम तुम आप टैंक में कमें क्लीन कर सकते हो तो कमें मेनटेन कर सकते हो, सब नालों जरूरी है तुम उत्ते वीडियो मेरी देख सकते हो। आप फिश टैंक में कमें क्लीन करना वीकली टू डेज मतलब कि हफ्ते के दो दिन आप कोई कड़ लो जमें कि तुम एक दिन कड़ लो फिर तीन चार दिन छड के आप इदा वॉटर टैंक क्लीन करना है, कोई बड़े ही बिग डील नहीं है, बस आप 25% वॉटर चेंज कर लगे टैंक का वीडियो देख सकते हो नाल दी नाल अपने टैंक में किस तरह क्लीन कर रहे हैं। एक मैं सोनू बोनस पॉइंट दिना वा जे तुम एक्वेरियम रखना चाहते हो आपके घरे
ज्यादा नॉलेज नहीं है कमें की कर सकते हो एक नॉर्मल टैंक लो एक टॉप फिल्टर ला दो टॉप फिल्टर लाने के बाद बेचोरे ग्रैवल ना इंट्रोड्यूस करो मतलब चिप्स बटियां जो भी है थले प्लेन रखो बॉटम रखो ना ये जमें कि मैं एक शिप लाई आ माउंटेन लाया हुआ वा एक हाल लाया हुआ अपने फिल्टर देखिए टॉप फिल्टर लाए सेफली सही तरीके खिंच दो आगे अंदर तो वीकली टू टाइम आपका टैंक में क्लीन करो जब तकलीफ चल रही है थोड़िया फिशा कदम नहीं डैथ होनी जी अनसैसरी डैथ होगी अपन फिशा दी होंगी वा अमोनिया के नाइट्रेट करके अमोनिया के नाइट्रेट को कंट्रोल करने वास्ते एक मनी प्लांट भी ला सकते हो जे थोड़े फिश टैंक ग्रैवल पाई हुई है तो वीकली जमे की देख सकते हो अपनी वीडियो में मैं वैक्यूम कर रहा वहां बॉटम टैंक में भी अपने स्केप देख सकते कि रास्ता उन्होंने भी मैं वैक्यूम कर रहा ग्रैवल वीक बच टू टाइम वैक्यूम करना वा उन्होंने अमोनिया नाइट्रेट की मात्रा अपने टैंक में कंट्रोल करनी है तो एक चीज होर भी कर सकते जो टैंक बड़ा 4 फीट का टैंक है वो एक पास अपना रख दो टॉप फिल्टर दूजे पास आप लगा देंगे वेव फिल्टर उन्हें होगा अपने जिन्ना भी फिश वेस्ट डूब जाए एक्स्ट्रा फूड आपां पा देने होंगे थोड़ा बहुत फूड अपना बच जाता वा वो थले ग्रैवल च जाके सैटल डाउन हो जाता वो सड़न के करके अपने फिश टैंक सैटल डाउन हो जाता सड़न लग जाता वो की होंगे अमोनिया नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है जे आप टैंक में वे मेकर ला देंगे वो फिश के वेस्ट नसैसरी फूड आ जोड़ा अपना जो बच जाता थले सैटल डाउन नहीं होने दिता वो पानी की घुमाई देता अपना फिल्टर साफ हो जाता फिल्टर आप हमेशा गुड यूज करना अपने टैंक में पावर हेड फिल्टर स्पंज फिल्टर ना यार यूज करो मैं हर वीडियो कहना वा तुम्हें टॉप फिल्टर कनेक्टर फिल्टर हैंग ऑन बैक फिल्टर ये फिल्टर यूज करो जे स्पंज फिल्टर भी यूज करना वा टॉप फिल्टर के ना एक ऑक्सीजन के तौर पर जरूर यूज कर सकते हो फिल्टर मैं तुम्हें कद सुजैसट करना टॉप फिल्टर यूज करना फिल्टर उत्ते देख सकते हो बक्सा पूरा पूरा बायोलॉजिकल मीडिया अपना स्पंज हो गया बायोकोल्स हो गया सरामिक रिंग्स हो गया तो पूरी बेनीफिशियल बैक्टीरिया की कलोनी कॉलोनाइज हुई हुई है वो जो मान लो आप कई बार घोल भी कर देने अपना टाइम नहीं मिलता है जो मान लो आप वीकली 10 days के आप जो मान लो अपना टाइम नहीं लगे आप बिजी चल रहे अपना सुन जो आप मंथ में आपके टैंक को 2 times भी जब वीडियो देख रहे हो तो इदा क्लीन कर दिया मंथ से 2 times भी तो अपन फिशा डैथ नहीं होंगे ना वो डैथ कदों नहीं होंगी क्योंकि अपना टॉप फिल्टर आ वधिया उहदे विच बेनीफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनाइज हुई हुई है वो वाटर को साफ रख दिया वा तो ऑक्सीजन बच्चे तो पूरी मेनटेन रही फिशा कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी है आ लैसन मिलती जी उत्तर वीडियो ये जरूर देखियो ये आप फिशा देने चाहिए वा लैसन हमेशा फिश फूड का इन फिशा अपन स्ट्रोंग होंगे इम्यूनिटी सिस्टम फिशा की स्ट्रोंग होती है वीडियो जरूर देखियो ये बस अपने अज के पॉइंट से जो तुम ये पॉइंटा फॉलो करते हो तो थोड़िया फिशा कहीं डैथ नहीं होगी जो तुम वधिया फिल्टर यूज करोगे जमें कि तुम देख सकते हो मेरा वाटर जमें क्रिस्टल क्लीयर आ फिल्टराइजेशन फिशा चाहे मैं तुम्हें हजे भी कहना फिशा चाहे तुम 2 दिन रुक के ले आओ फिल्टर हमेशा बेस्ट लैके आओ फिल्टर के कोई भी कटौती नहीं करनी हैगी जी मेरा मतलब कहने का यह आ फिल्टर अपने एक्वेरियम सब नालों इंपोर्टेंट पार्ट जो हैगा वा रोल हैगा वा वो हैगा अपने फिल्टर का जे अपने टैंक में फिल्टर बेस्ट लग्या होया वा ना तो थोड़िया फिशा कदे नहीं डैथ होणगियां फिशा थोड़िया लॉन्ग टाइम नहीं जीणगियां जे तुसीं इदां कहोगे यार कोई गल नहीं पहला आप छोटा फिल्टर ले लेंगे फिर आप हौली हौली वड्डा ले लेंगे ये गलती आप करनी नहीं हैगी कि आप फिल्टर सड़िया हुआ ले आने की कहते होंगे पावर हेड फिल्टर ले आने वो फिल्टर नहीं है वो रोटेटर आ वो फिल्टर अपना पानी नहीं साफ कर पाता जे एक काम तुम होर कर सकते हैं मान लो थोड़े को टैंक का एक्वेरियम बड़ा थोड़े को 6 feet का एक्वेरियम एक साइड से वो यार
ਆਪਾਂ 6 ਫੀਟ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਵੀ ਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਾਇਐਕਟ੍ਰੀਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਸ਼ਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੀਵਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਲਈ। ਬਾਏ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਹੋਰ।